नतीजों से पहले कांग्रेस का विधायक बचाओ अभियान तेज हो गया है। विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाएगी कांग्रेस, ये बताया जा रहा है। रायपुर के होटल में ठहरेंगे कांग्रेस के विधायक, वो गुजरात वाले नहीं, वो अभी वहीं रहे, उनका कोई काम नहीं है। ये हिमाचल वाले जाएंगे जिन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। अब दीपक झाजी बताइए, हिमाचल में सरकार बन रही है नहीं बन रही है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप हरा भी दिए बीजेपी को, यहाँ आपके विधायक छत्तीसगढ़ ले जाए जा रहे हैं। पर क्यों 2639 जो है वो कंफर्ट फैक्टर है तो सही, जरूरत तो है नहीं। अनलेस दे थिंक कि जो रेबल्स हैं 20 कैंडिडेट कुछ बीजेपी के जो रेबल्स हैं वो वापस अगर बीजेपी में चले जाएं तो, नहीं तो अभी तो कंफर्ट फैक्टर है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेलने की क्या जरूरत है अभी। सेफ्टी जरूरी है क्योंकि ईडी बाहर आ जाएगी, ईडी को ऑलरेडी कॉल चला गया है, ईडी आ जाएगी, सबके फाइल ले आएगी। ईडी का हॉटलाइन तहसीन के साथ है। अरे मैं जानता हूं, ईडी को पहले कॉल आता सुबह 3 बजे, हॉटलाइन है आपके साथ। ईडी वाले पहले, इन्होंने ईडी के मोबाइल में पेगासस लगा रखा है, ये सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। देखने दीजिए, मुझे छुपाने का कुछ है। चर्चा हम लोग किए है तहसीम का एक एम्स पर अटैक और एक ईडी, ये दो ई को पहले दिन से चल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा पहले दिन से इनको, पहले दिन से इनको करेक्ट कर रहा हूं कि एम्स की जांच एनआईए तक को सौंप दी गई है, तो बगैर मीटिंग के सौंपी नहीं गई है, बता रहा हूं। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाई बधाई आपको गुजरात की, लेकिन हिमाचल की बधाई अभी आपको, दू नहीं दू रख लू पास में, देने की नौबत ही नहीं आएगी। आएगी कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जा रही है। आपसे डर गए हैं, डरे हुए हैं वो लोग, तहसीन कह रहे हैं, आप लोग ईडी के जरिए हिमाचल में सरकार बनाएंगे। देखिए सर्वप्रथम सुशांत जी, गुजरात और हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, और जो असूल है वो दोनों प्रदेश में बराबर लागू होगा। गुजरात की बधाई जरूर लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब सारे परिणाम आ जाएंगे। ये कहना जरूर चाहता हूं कि रुझानों से पता चलता है कि इतिहास लिखा जा रहा है, और अगर कहें मोदी मैजिक तो दूसरी तरफ राहुल ट्रेजिक। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, एक तरफ 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, यहां प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। 7 लगातार चुनाव जीतना, ये इतिहास रचना ही है। और सुशांत जी एक और बड़ा मैसेज गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, ईमानदारी से जनता की सेवा करती है, तो बार बार जनता आशीर्वाद देती है। नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, रावण बुलाना, नरेंद्र मोदी जी के लिए झूठों का सरदार कहना, जनता इस पे कभी मोहर नहीं लगाएगी और नकारात्मक राजनीति को रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैं ये जरूर आज कहूंगा कि देखिए, आम आदमी पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि जब उनके अध्यक्ष कहते हैं कि 92 सीटें आएंगी, यहां तो जो आपका बोर्ड दिखा रहा है 9 सीटें भी नहीं आ रही हैं, और इसुदान गाडवी और गोपाल इटालिया दोनों चुनाव हार रहे हैं। ये भी दिखाता है कि भारतीय राजनीति में जब आप कहते हैं मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं और बाकी विरोधी कंस हैं, इस राजनीति को भी समाप्त हो जाना चाहिए। राजनीति का कंस कौन है ये भी पता चल गया है।